हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो लड़की यहां से गायब हो गई। मगर किस तरफ गई होगी? पता नहीं, शायद यहां। देख क्या रहे हो, खत्म कर दो इन्हें। क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं मैडम, कोई कुछ नहीं है। तो इसे पैसे का चक्कर? बोल। अभिजीत सर, जय सर, अभिजीत सर, निकल गए। लगता है जंगल को अच्छी तरीके से जानती थी, मगर वो गेस्ट हाउस में करने क्या आई थी? क्या धमकाने आई होगी हमें कि हम उसके मामले में दखल ना दें? वो डर के भाग गए। जी, लगता है ये लोगों को डराकर अपना कुछ काम निकालना चाहती है। या, भागते चोर की लालटेन देखी? ये भागने के चक्कर में लालटेन छोड़ गई यहाँ पे। इसे यहीं पे छोड़ दो, ऐसी चीजों का हाथ नहीं लगाते सर, छोड़ दो। सर, मेरी परदादी करी थी, ये सब माया चाल है सर, छोड़ दीजिए सर प्लीज। अरे यार, ये कोई पुराने जमाने की लालटेन नहीं है, आजकल की लालटेन तो किसी भी दुकान में मिलती है। ये देखा था, चाइना। लालटेन चाइना सर, मतलब समझे आप? नहीं सर, ये चाइनीज होता है, ये बहुत डेंजरस होते हैं सर। ये तुम्हें डरा रहा है? बस बंद करो। हो गया, अब ये लालटेन ही हमें असली भूत तक पहुंचाएगी। कहाँ है वो तीनों लड़के जिन्हें तुमने अगवा किया? सच कह रहे साहब, उन्हें अगवा करने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो बस अपने टेम्पो से उन्हें लेकर आए थे। कि एक नई इंसान है, और वैसे भी किसी को जबरदस्ती ले जाना अगवा ही होता है। नहीं साहब, हमें थोड़े से पैसे ज्यादा मिले तो हमने सोचा कि किसी की जिंदगी खतरे में डाल दो। हाँ, वैसे तुम्हें पैसे उस लड़की ने दिए थे जो तुम लोगों के साथ थी, कौन है वो? पता नहीं साहब। कहाँ लेके गए उन्हें? शहर से दूर एक सुनसान घर है, वहीं पे। ये देखो, यहाँ पे कुछ खुदा हुआ है, शायद कोई अक्षर है। इसे खरोंच के मिटाने की कोशिश की गई है। सर, कहीं अक्षर उस दुकान का नाम तो नहीं जहां से ये लालटेन को खरीदा गया था? हो सकता है, एक बार दुकान का पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि लालटेन खरीदी किसने थी। इस खरोंच को साफ करते हैं, शायद पता चल जाए कि अक्षर कौन सा है। मुश्किल है सर, मगर हम कर लेंगे। क्यों वंश? सर, वो लोग जिन्होंने ट्रंक खरीदा था वो इस वक्त रिजॉर्ट में नहीं है। और सर, रिजॉर्ट के मैनेजर ने बताया कि उन लोगों ने भी चेकआउट भी नहीं किया। सर, मैनेजर ने कहा है वो जैसे आएंगे हमें बता देगा। गुड,
तब तक हम इस आना के बारे में पता करते हैं, वो है कौन और लोगों को मार क्यों रही है। सर, चार आदमी और एक औरत, कुल मिला के 5 लोग ऐना का शिकार हुए। पता करना पड़ेगा इन 5 में ऐसा खास क्या था तो ऐना ने इन्हें अपना शिकार बनाया है। गविन, लगता यही वो जगह है जहां पे अभय लक्ष्य वीर को बंदी बना के रखा गया है। हम सबको यहाँ चौकन्ना रहना होगा। कुछ नहीं किया साहब। बकवास मत कर, ज्यादा ड्रामा करेगा कुछ करने के लायक भी नहीं रहेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? ये बताओ कि अभय, वीर और लक्ष्य को, इन तीनों को कहां छिपा के रखा तुमने? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती इन्हें। देखो, जो भी पता है साफ साफ बता दो, हो सकता है तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए, वरना तुम सबका खेल खत्म यहीं पे। कैबिन, एसीपी साहब से कह दो ये सारे के सारे एनकाउंटर में मारे गए, और ये शुरुआत कहां से करो? मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ। नताशा, कुछ मत बोलना। ए, तुम्हें बोलना है? हाँ, बोलोगे? नताशा, देखो सब कुछ सच सच बताओ, वरना जिस तरह से गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, तुम भी इनके चक्कर में पिस जाओगी, इसलिए सब कुछ सही सही बोलो, शायद हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो सब मर चुके हैं, इन लोगों ने मारा है उन्हें, मैंने कुछ नहीं किया। झूठी धोखेबाज, चुप कर, बोलने दो उसे। बताओ क्यों मारा? मुझसे पहले कहा गया था कि तीनों को अगवा करना है, और फिर कुछ देर पहले कहा गया कि मार डालो इन्हें। किसने कहा था? मैं नहीं जानती। नताशा, तुम फिर झूठ बोल रही हो। नहीं, मेरा विश्वास कीजिए प्लीज, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में नहीं जानती, कोई गुमनाम आदमी है इसके पीछे। गुमनाम? तुम लोगों को मैसेज कहां से आते थे? मेरे फोन से, लेकिन उन लोगों का नंबर नहीं आता था। एक मिनट, मोबाइल लाओ, भाई जरा चेक करो फोन। और तीनों को कहां छिपा के रखा तुम लोगों ने? उस कमरे में, किसी ने बंद किया है। चलो दिखाओ, चलो चलो। बाकी ये दो लाशें कहाँ हैं? और वीर और अभय की लाश कहाँ है? तीनों को मार के यहीं पे डाला था ना? हाँ, तीनों को मार के यहीं डाला था। बाकी की दो लाशें कहाँ गई? मुझे नहीं मालूम। देखो, लाशें चलती नहीं है, समझे? तुम दोनों कोई खेल तो नहीं खेल रहे हमारे साथ? नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों की लाशें कहाँ चली गई। यहाँ दरवाजे पे खून लगा हुआ है, चौखट पे भी। इसका मतलब बाकी दोनों लोग यहां से भाग के निकल गए जंगल की तरफ, ढूंढना पड़ेगा इन्हें। उन देख के लगता है कि बड़ी बुरी तरह जख्मी थे वो दोनों, ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। उससे पहले इसकी लाश को फॉरेंसिक भिजवा देते हैं। हाँ पूर्वी, मैंने फैसला तो कर लिया है,
मगर मैं एक बार दया सर से बात करना चाहती हूँ। क्या कहना है? देखो, उन्हें किसी और से पता चले उससे बेहतर तो यही होगा ना कि मैं खुद उन्हें बता दूं कि मैंने सिद्धार्थ से शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हें लगता है ये ठीक रहेगा? पता नहीं, मगर मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच कोई गलत फहमियां रहे। शायद बात करने से हमें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। थैंक्स पूर्वी, बाय। इस लैंटन को तो स्कैन कर लिया, अभी पता चल जाएगा इस पे लिखा क्या है। ओके ओके ओके, अब ये खरोच के निशान, इसे मिटाओ। यस सर। गुड, इस पे दो अक्षर हैं, एक तो ये ए, एक दूसरा। जरा काम करो, इसे और बोल्ड करो इन लेटर्स का। ओके सर। ये देखो अभिजीत, इस लैंडन पे ए एस लिखा हुआ है। ए एस? पता करते हैं कौन सी दुकान है जिसका नाम ए एस से शुरू होता है। इस इंस्पेक्टर अर्जुन से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसी दुकान है क्या जिसका नाम ए एस से शुरू होता है। फ्रेडी को बोलो, जरा इंस्पेक्टर अर्जुन को बुलाए। सर, फ्रेडी सर और पंकज अभी तक आए नहीं। अभी तक नहीं? रात हो गई है, कहा रहे क्या दोनों? पंकज, हमें रात को बाहर निकलना नहीं चाहिए, क्या पता कब आना की आत्मा सामने आ जाए। सर आप टेंशन मत लीजिए, मुझे आना की आत्मा को काबू करना आता है। क्या बोला? ये काला जादू है सर, चाइनीज काला जादू। चाइनीज काला जादू? हाँ सर, आना चाइनीज है, तो जब मैं उसे चाइनीज काला जादू वाले मंत्र बोलूंगा तो या तो हमारे वश में आ जाएगी या फिर हमसे खुश होकर डर के भाग जाएगी। मुझे भी सिखा दो। अरे सर, अभी टाइम नहीं है, आपसे मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहना, क्योंकि मेरा जादू 3 फीट तक ही काम करता है। कहाँ से सिखाइए? चाइनीज वेबसाइट है सर। सर एकदम नया है, ताजा है, 110% काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मिलाओ हाथ। काम करेगा? अरे 100%। टेंशन की बात है। पंकज, धुआं, धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है। वारिया, आला की आत्मा, वारिया पंकज, आला की आत्मा, परेशान, भागना मत, भागना मत। हम इस आत्मा से तेज नहीं भाग सकते सर, मुझे मंत्र कहने पड़ेंगे सर, मैं छोड़ूंगा नहीं सर। हिंदी मत बोलो सर, ऐसे वहां समझ में नहीं आएगा, ये चाइनीज आता है। एक मिनट, आप कंफ्यूज करो, आप चुप रहो। रेडी? अरे बाप रे, क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ कैसे? सर, अन्ना की आत्मा सामने आ गई सर, और उसने हमला कर दिया मेरे सर पे, और मैं डर के भाग गया सर। अरे इसे अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी जल्दी। Thank you.
इतनी दूर आ गए लेकिन उनका कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ सर। लेकिन निकल कहाँ गए? ये क्या है? देखो इस कपड़े पे फोन भी लगा हुआ है। हाँ सर। कहीं ये अभय या फिर वीर का तो नहीं? रखो सर, आसपास देखो जरा। यस सर। ये तो मर चुका है। वीर को भी बिल्कुल उसी तरह से मारा है जैसे लक्ष्य को मारा था। इशिता, बॉडी को ले जाने का बंदोबस्त कर। यस सर। तब तक हम इस अभय को ढूंढते हैं। मयूर, ये लावण्या के दोनों भाई लक्ष्य और वीर तो मारे गए, कहीं ऐसा ना हो कि खूनी का अगला शिकार ये लावण्या हो। दुष्यंत और निखिल को फोन करके कह दो लावण्या के घर पे नजर रखें। जी सर। के शिकार हुए लोगों में से एक था गगन, जो शेरगढ़ में पोस्टमैन था। दूसरी एक औरत थी जो लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी। और तीसरा था रमेश, जो इसी बाजार में सब्जियां बेचता था। ये रमेश इसी बाजार में सब्जी बेचता था? यस सर। और बाकी के दो लोग? सर, उनमें से एक का नाम शेखर था और दूसरा विनोद। इंस्पेक्टर अर्जुन बाकी की डिटेल्स लेकर आ रहे हैं। फ्रेडी सर, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आपको गेस्ट हाउस में आराम करना चाहिए था। आराम हराम है पंकज, मैं सबके साथ हूँ, यही ठीक है। गेस्ट हाउस में रहना खतरे से खाली नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आप लोग यहाँ पर? सर, पास में मेरी नर्सरी है, आप लोग आना चाहेंगे? नहीं कहना फिर कभी। ये बताओ, ये सब्जी वाला था रमेश, उसको जानती थी तुम? जी सर, जानती थी। यही पर ठेला लगाया करता था बेचारा, उस ऐना ने उसे मार डाला। हे भगवान, ऐना के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, गलती हो गई मुझसे। और वो पोस्ट ऑफिस में जो काम करता था गगन? चिट्ठी बाबू, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ये सब उन सरकारी लोगों की वजह से हुआ है ना, वो ऐना का घर तोड़ते और ना ऐना का गुस्सा हमको झेलना पड़ता। ना जाने अब किसका वक्त आएगा। तुम सही कह रही हो, प्रोड्यूसर का तो नंबर आ गया। क्या क्या क्या? अच्छा, ये विनोद और शेखर, इनके बारे में कुछ जानती हो? नहीं सर, उनके बारे में कुछ नहीं जानती। थैंक यू। कोई ना, थैंक यू सर। नमस्ते सर। क्या पता चला विनोद और शेखर के बारे में? सर, मैं दोनों के घर गया था, दोनों अकेले रहते थे। शेखर एक इंजीनियर था और विनोद एक वॉल्ट्स एक्सपर्ट। एक इंजीनियर और एक वॉल्ट एक्सपर्ट, वो भी शेरगढ़ जैसे छोटे से इलाके में? सर, ऐसा लगता है कि दोनों शेरगढ़ में नए थे। इंस्पेक्टर अर्जुन, हमें शेखर और विनोद
इन दोनों की पूरी जानकारी चाहिए। ओके सर। ये जो लालटेन में लिखा था AS अक्षर, उसके बारे में कुछ पता चला? सर, शेरगढ़ और आसपास के इलाकों में पूछताछ चल रही है, बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। इससे पहले कि ऐना किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें इस ऐना को पकड़ना होगा। हाँ यार, पांच पांच खून हो चुके हैं। और बड़ी अजीब बात है, एक डाकिया, एक सब्जी वाला, एक काम करने वाली बाई, और दो लोग ये अपना इंजीनियर और वॉल्ट एक्सपर्ट, पांच अलग अलग लोग, अलग अलग काम करने वाले। समझ में नहीं आ रहा है खूनी इन साधारण लोगों को मार क्यों रहा है, चाहता क्या है, खून की वजह क्या है। सिर्फ काम जानने से काम पूरा नहीं होता, काम पूरा होता है काम करने से, समझा? आधे अधूरे काम करता और पगार चाहिए पूरी। अब क्या जवाब दूं मैं गाड़ी के मालिक को? अरे भाई साहब। जी साहब। हम लोग CID से। ठीक है साहब, आपकी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी, बताइए कहाँ खराब हुई है, मैं अभी आदमी भेज देता हूँ। पूरी बात सुनेंगे, हम लोग गाड़ी बनवाने नहीं आए, एक आदमी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये आदमी साहब? जी हाँ, शायद ये आदमी परसों जंगल से निकला और इसी रास्ते से गया है। हाँ साहब, परसों रात जब मैं गैरेज बंद कर रहा था तो एक आदमी थोड़ा लंगड़ाता हुआ जंगल के इस रास्ते से बाहर तो निकला था। यही आदमी था साहब? अंधेरा ज्यादा था, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कुछ बता नहीं सकता। अभी होगा। अच्छा, वो किधर गया? साहब वो आदमी किसी सवारी का इंतजार कर रहा था, एक गाड़ी आई उसमें बैठा और फिर इस तरफ निकल गया। ये कैसे हो सकता? अभी ने तो किसी को फोन भी नहीं किया, और तो और वीर को भी जंगल में छोड़ के चला गया। अच्छा, ये आदमी काफी घायल था? नहीं साहब, थोड़ा लंगड़ा रहा था बस। जिस गाड़ी में गया ये आदमी, उस गाड़ी का नंबर या फिर गाड़ी का मॉडल कुछ तो देखा होगा तुम? नहीं साहब, मैंने बताया ना अंधेरा बहुत ज्यादा था तो ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। कमाल है, अभी ज्यादा घायल भी नहीं थे तो फिर इसने वीर को जंगल में मरने के लिए छोड़ क्यों दिया? वही तो, ये अचानक गायब कैसे हो गया? मयूर एक काम करो, इस अभय की फोटो अपने हर खबरी और हर पुलिस स्टेशन को दे दो। ये अभय हमारी केस की एक ऐसी अधूरी कड़ी है जिसे जोड़ना बहुत जरूरी है। सर, मैंने आसपास के सभी शहरों में पता करवा लिया है, ऐसी कोई शॉप है ही नहीं जिसका नाम AS अक्षर से शुरू होता हो और इस तरह की लालटेन रखता हो। यार ऐसा भी तो हो सकता दया कि हम लोग गलत दिशा में सोच रहे हो, AS नाम की कोई दुकान हो ही ना, लेकिन AS नाम से आदमी का नाम तो शुरू हो सकता है जिसकी ये लालटेन हो। अक्सर लोग सामान पर, खासतौर से बर्तन पर अपना नाम और इनिशियल खुदवाते हैं। शेरगढ़ की कितनी आबादी है? सर यूं ही कोई 3 से 3,500। उनमें से कुछ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, और इन्हें हटा दिया जाए तो तकरीबन 2,000 के आसपास आबादी है। हाँ सर, इतनी तो होगी। एक काम करो, ये शेरगढ़ के रिकॉर्ड से लिस्ट बनाओ, कितने लोगों के नाम AS से शुरू होते हैं, है? जी सर। इन सब के लिस्ट बनाओ नाम और पते के साथ। ओके सर। और वो जो बक्सा खरीदा था वो आगे होंगे वेल्लोर रीजेंसी रिसोर्ट में, उनसे मिलते हैं। एक मिनट, सलमान भाई आने वाले हैं, कोई एक साथ हल्ला नहीं मचाएगा, जिसको जो भी पूछना है एक एक करके पूछना, सबके सवालों का अच्छे से जवाब देंगे, समझे? सर, आपकी फिल्म किक रिलीज होने वाली है, आपको कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लगता है। सर, आपकी फिल्म का म्यूजिक तो हिट है सर। जी हाँ, इस फिल्म के गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं, जैसे कि हैंगओवर बहुत बड़ा हिट हो गया, और फिर जुम्मे की रात बहुत बड़ा हिट हो गया, और यो यो हनी सिंह ने एक गाना गाया है, उस गाने का नाम है वो डेविल सॉन्ग कहलाता है, वो भी गाना बहुत बहुत बड़ा हिट हो गया है। फिर एक गाना मैंने गाया है जिसका नाम है तू ही तू,
हैंगओवर भी मैंने गाया है। और सर आप साजिद जी के डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? साजिद जी का जो डायरेक्शन है बहुत ही अच्छा डायरेक्शन रहा है इस फिल्म में। साजिद जी एज ए प्रोड्यूसर बहुत अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं, एज ए डायरेक्टर बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हो गए हैं फर्स्ट फिल्म में, और एज अ दोस्त तो बहुत ही कमाल के दोस्त हैं। कोई जवाब है आपका? नेक्स्ट कौन है ना ये? ओहो ग्रैंड सन साजिद नडियावाला। हेलो मैं सर बिजी तो नहीं ना? जैकलिन के बारे में कुछ बताइए ना सर। जैकलिन जी के बारे में क्यों बताऊं आपको? जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड है, मैं जैकलिन की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तारीफ में बहुत दम है। हाँ ग्रैंड सेलेक्शन होल्ड ऑन करो। हाँ जैकलिन जी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही तगड़ा है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। हो गया अब मैं ग्रैंड सन से बात कर लूँ। हाँ ग्रैंड सन सेंसर हो गई? हाँ हो गई ना। कोई कट्स वगैरह? अच्छे दे उनको पसंद भी आई। यूए था। यूए? यूए क्यों? यू मिलना चाहिए ना। नॉट फेयर यार। ठीक है ना, मतलब इट्स ओके फेयर है। एक आदमी बचा है ना, उसका भी मुंह बंद कर देगी हमेशा के लिए। खून करने का जो भी पैसा मिला है उसे एक साथ अलग ही सीन छोड़ देना, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इस मर्डर के बाद जल्दी से जल्दी निकल लो यहाँ से। मर्डर की बात कर रहा है? मर्डर? अरे यार कॉल द कॉप्स इमीडिएटली यार। सर यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है? जरा देख। नहीं सर पुलिस है क्या? अच्छा मैं आपको फोन करता हूँ एक तीन चार की घुमा के। कॉल द कॉप्स राइट नाउ। ओके पुलिस को जा। या आ जाओ भाई। सलमान तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? किसके मर्डर की बात चल रही है भाई यहाँ पर? ए ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, ये तेरी कोई फिल्म नहीं है समझा ना, सारा हीरोगिरी निकाल दूंगा यहीं पे। देख भाई पिक्चर हो या रियल लाइफ, एंड में आके चोरी पिटता है, तुम लोग तो बिगनिंग में पड़ जाओगे। फिल्म होती तो बच जाते, अब मैं कोई गारंटी दे नहीं सकता। सलमान भाई तो ऐसे नहीं मानेगा। भाई बोलता चाकू दिखाता है। कहां से संस्कार आ जा भाई, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, इस पोजीशन पे घूम जाओ। एक और थोड़े दिनों से तलाश थी तुम्हारी, फोन पे फोन किया जा रहा है। जॉइन सर और सब हाय थैंक यू वेरी मच। अरे सर हाँ हाँ बहुत दिनों से इंतजार था इन लोगों का। फिर यहाँ से पासिंग के अंदर कुछ मर्डर वर्डर के डायलॉग सुनाई दिए मुझे, मैं साजी के साथ फोन पे था, वाला दो चार किक मार के निकल था। मगर सलमान आप यहाँ क्या कर रहे थे? सर किक की प्रमोशन कर रहा हूँ, बस यही चल रहा है आजकल, शूटिंग करो खत्म करो फिर प्रमोशन शुरू करो। तो इस दौरान में सर आपका एक मुजरिम पकड़ा गया। ऑल थैंक्स टू यू। थैंक यू सर। सर फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त है। हाँ यू लाइक द म्यूजिक ना? या एक गाना मैंने गाया है उसके अंदर, मैं की रात है भी बहुत बड़ा हिट हो गया था। अब तो सर गाना भी शुरू कर दो। अच्छा जब तक माफी नहीं मांगेंगे लोग मुझसे कि तू बंद करो भाई, हमारे खानदान में डेथ हो रही है तेरे वजह से। बड़ा मजा आया मेरे को। किसके लिए काम करते हो तुम लोग? कौन है जो ऐना बन के खून कर रहा है? सर हमें ज्यादा कुछ तो पता नहीं, लेकिन बॉस जिन लोगों को मरवाना चाहते हैं ऐना उसका खून कर देती है। बॉस कौन है तुम्हारा बॉस? है? हमने कभी देखा नहीं था, जो हमसे कहा जाता था वही कर देते थे। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और इनके घर वालों को इन्फॉर्म करो। अरे जल्दी बता दो अन्ना। पंकज इनको समझाने का कोई फायदा नहीं, जितना कहा उतना करो। नहीं 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 साहब बताता हूँ सर बताता हूँ। बताओ। सर एक आदमी था जो बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था?
बोल रहा था कि शील पॉइंट पर आज खून होने वाला है। शील पॉइंट पे खून? कितने बजे? एक घंटे के अंदर। किसका किसका खून होने वाला? सर ये तो पता नहीं, जितना जानते थे हम लोगों ने बता दिया साहब आपको। अगर छूट निकला ना, हिल पॉइंट। इतनी सारी गाड़ियां, फिर तो बहुत लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए। कैसे पता चलेगा सर किसका खून होने वाला है? हेलो ट्रॉफ रेडी, ढूंढो आसपास, ढूंढो। आवाज, ये चिखने की आवाज कहाँ से? सर उधर, सर उधर। ओह नो, एम्बुलेंस बुला दे। तू कितने बार किया इसके साथ में? वाले कपड़ा निकाल, जल्दी खुदो खुदो। आप में से किसी ने इस आदमी पे हमला होते हुए देखा? पता नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं देखा। नहीं? हाँ सर मैंने देखा, एक औरत उस तरफ भाग रही थी। किस तरफ? इस तरफ सर, इस तरफ। यहाँ पे? हाँ। थैंक यू। सर एम्बुलेंस 5 मिनट में पहुंच जाएगी। इस पे हमला करने वाली कोई लड़की थी शायद, आना हमें यहाँ आते देख वो भाग गई। नाखूनों पे खून लगा हुआ है, शायद अपने बचाव के लिए इसने उसे खरीदा होगा। खून के डीएनए से पता चल जाएगा कि हमलावर आना ही है या नहीं। अब हालत कैसी है उसकी? मरीज को काफी गहरी चोटें आई हैं, बड़ी मुश्किल से हम उसे बचाने में कामयाब हुए। हम उसे बात कर सकते हैं? जी नहीं, अभी वो होश में नहीं है। कम से कम 12 घंटे लगेंगे उसे होश में आने के लिए। सर पता चल गया, इस आदमी का नाम आरव और ये एक एक्सप्लोसिव्स का एक्सपर्ट है। एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट? शेखर एक इंजीनियर था, विनोद वॉल्ट एक्सपर्ट, और ये आरव एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। हाँ सर, शेखर जैसी छोटी जगह में ऐसे पेशे के लोग कर क्या रहे थे? हो सकता है ये तीनों एक साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसी वजह से मारे गए। हेलो, यस सर। डॉक्टर साहब अगर पेशेंट को होश आ जाए तो हमें प्लीज इन्फॉर्म कर देना। श्योर, राइट सर। अभिजीत सर। क्या बोला? वो हमारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा सर, उन्होंने ये भी कहा है कि शेखर और विनोद ब्लू डायमंड नाम के रिजॉर्ट में एक ही समय पर ठहरे हुए थे और एक ही समय पर उन्होंने उस रिजॉर्ट को छोड़ा भी था। हो सकता है उस होटल में बैठ के ये लोग आगे का प्लान बना रहे थे। सर और तो और ये आरव भी उसी समय पर उसी रिजॉर्ट में ठहरा हुआ है। ब्लू डायमंड रिजॉर्ट चलते हैं। हाँ सर, सर लगता है कोयता का ही घाव है जी। सर मैं आपको फोन करता हूँ, बताता हूँ जी। क्या हाल है इसका? अभी कोमा में है, डॉक्टर ने कहा कि कम से कम 12 घंटे लगेंगे होश आने में। एक्सक्यूज मी सर। हेलो जी, मैं सोच रहा हूँ कि अभी के अभी श्रेया से बात कर लूँ।
किस बारे में? वही यार जिसकी वजह से हम उसके घर गए थे। अच्छा वो नहीं अभी 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 नहीं अभी नहीं। क्यों अभी क्यों नहीं? अरे यार अभी क्योंकि वो मुहूर्त नहीं है भाई। मुहूर्त नहीं है अभी? मुहूर्त? तुम कब से मानने लगे इन सब चीजों में? अरे यार मानना पड़ता है यार, जरूरत पड़ी तो मानना पड़ा। एक बार बिना मुहूर्त के मैंने तारिका जी को हेलो बोल दिया तो पूरे एक महीने तक बात नहीं की उन्होंने यार। अभिजीत मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई है, अब तुम इस मुहूर्त के चक्कर में मुझे मत फंसाओ प्लीज। वैसे ये काम के सिलसिले में हमें वक्त नहीं मिलता एक दूसरे के साथ, अब हिम्मत भी आ गई है और मौका भी है, तुम भी हो वो भी अकेली है तो क्यों नहीं? लेकिन क्यों मतलब अभी इतनी जल्दी क्या है यार? तुम भूल गया, एसीपी साहब ने तुमको फोन करके बोला था ना कि यहाँ की रिपोर्ट उनको चाहिए, तो उनको रिपोर्ट दो ना फोन पे पहले। अरे यार जब मैं इतना इंतजार कर सकता हूँ तो रिपोर्ट के लिए एसीपी साहब थोड़ा भी इंतजार नहीं कर सकते? इंतजार एसीपी साहब और इंतजार यार, शेरगढ़ का पानी तुमको सूट नहीं कर रहा है। अरे तबीयत खराब हो गई तुम्हारी, तुम एसीपी साहब का मिजाज भूल गए? अरे यार उनको अगर रिपोर्ट समय पे ना मिले तो कितने परेशान हो जाते हैं। तुम एसीपी साहब को परेशान करना चाहते हो यार, प्लीज उनको फोन करो यार प्लीज। नहीं अभी करो यार, मैं श्रेया का मूड देखता हूँ ना तब भाई, तुम फोन करो पहले ठीक है। अभिजीत को क्या हो गया? अब तक तबीयत ठीक नहीं है। ये यहाँ कहाँ से आ गया? गया को पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगी, अब क्या होगा? अबे उठने की कोशिश मत करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ये गांव में और क्या हुआ है मुझे? तुम्हें याद नहीं तुमने क्या गुल खिलाया? मुझे कुछ याद नहीं। और कौन हो तुम? कौन हूं मैं? मैं वो हूं जिसने तुम्हारी जान बचाई, मैं वो हूं जिसने तुम्हें सीआईडी से बचाया, वरना सीआईडी के हाथ तुम्हारे गिरेबान तक अब तक पहुंच चुके होते और तुम सलाखों के पीछे होते। क्यों आखिर क्या किया है मैंने? जान से मार दिया तुमने उनको? नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और भला मैं उनका खून क्यों करूंगा? तुमने उनका गला काट डाला, जान ली है तुमने उनकी। नहीं मुझे कुछ याद नहीं। सोचो सोचो अभी सोचो। याद आया, हम लोग जंगल में जा रहे थे और मुझे कुछ याद नहीं। जब मैंने तुम्हें देखा तुम लोग जंगल में थे, और आज की तारीख में दुनिया की नजरों में तुम्हें कातिल हो, तुम्हें खूनी हो। अगर यकीन नहीं होता अपने हाथ और कपड़ों में लगा हुआ खून देखो, तुम्हें खुद यकीन आ जाएगा। देखो ये मैंने क्या कर दिया, क्यों किया मैंने ऐसा? जो करना था वो कर दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या चाहते हो तुम? क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना चाहोगे? बोलो। नहीं कभी नहीं। तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? घंटों लग जाते हैं, कोशिश करते रहो कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो एयर से जुड़ा हुआ है। सही कहा आपने सर।
ये देखिए, तो वही आदमी है जिसका स्केच हमने मार्केट में बनवाया था। मतलब ये अशोक भी शामिल है इस ऐना के खेल में। सर कहीं ऐना कोई आदमी तो नहीं? सब पता चल जाएगा, पहले इस अशोक से मिलते हैं। तुम यहाँ अशोक के घर पे? जी, आप लोग यहाँ कैसे? अशोक को ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन सर, अशोक तो घर पर नहीं है सर। आप अशोक की? मैं उनकी पत्नी हूँ। आप अशोक की पत्नी हैं? जी सर, लेकिन बात क्या है? ये अशोक गया कहाँ? सर कुछ बता कर नहीं गए, लेकिन हाँ कहकर गए थे कि उन्हें आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन आपको उनसे कोई खास काम है? नहीं, कोई खास काम तो नहीं है, मगर हाँ उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। हमें अशोक का फोन नंबर मिल सकता है क्या? कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि उनका फोन ही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, आप उनका नंबर दे दीजिए। दिव्या, फोन लगाना। यस सर। नंबर प्लीज। 1234 6 7 8 9 0। सर लेकिन क्या बात है, आप लोग उन्हें ढूंढ क्यों रहे हैं सर? कुछ बताइए ना सर। सर नंबर बंद आ रहा है। देखा सर, मैंने तो कहा था ना कि उनका नंबर लग ही नहीं रहा है। सर बात क्या है, आप लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं सर? बताइए ना, मुझे बताइए सर। कोयना जी, हमें शक है कि अशोक कोई गलत काम कर रहा है। नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हो गई है, अशोक तो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। अच्छा, कोई नहीं, थोड़ा पानी मिलेगा, ठंडा पानी पीने के लिए? अभी लाइए। सर मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। ऑलरेडी मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, जो दिख रहा है ऐसे है ही नहीं। घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं। सर पानी। थैंक यू। आप लोग? थैंक यू। थैंक यू कोयना जी। ये आपके गर्दन में चोट लगी है? जी जी हाँ, वो कल रात को ना बिल्ली ने। ऐना जी, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। हा? क्या कहा आपने मुझे? ऐना? खून लगा हुआ है, शायद अपने बचाव के लिए इसने उसे खरोचा होगा। मैं कोई ना हूँ, कोई ना, मैं ऐना नहीं हूँ। तुम ही ऐना हो, तुम ही हो जो रात को हाथ में लालटेन और कोयता लिए लोगों का खून करती हो। ये क्या कह रहे हैं आप सर? जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। ये चोट तुम्हें तब लगी थी जब तुमने आरव को मारने के चक्कर में उसके साथ हाथापाई की थी, है क्या? नहीं नहीं सर, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर। कोयना, ये ड्रामा बंद करो, बहुत हो गया, जो सच था वो सामने आ चुका है। फ्रेडी, वंश, घर की तलाशी हो जल्दी। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा? हाँ बताओ, मासूम लोगों की जाने क्यों ले रही थी तुम? क्यों मारा थी उन्हें? बोलो। सर, अशोक ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उन लोगों को नहीं मारूंगी तो वो मेरी जान ले लेगा। सर अशोक बहुत बुरा आदमी है सर,
वो मुझे मार डालेगा सर, वो मुझे मार डालेगा सर, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है, मुझे नहीं मरना है सर, वो मुझे मार डालेगा। ये शो करता क्या है, किन लोगों के साथ मिला हुआ है ये? सर उसके काम के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर हाँ सर वो ना वो रात रात भर फोन पे बात करता था, कोई सामान किसी नक्शे की बात करता था, नक्शे की बात करता था वो सर। सर घर में तो कुछ नहीं मिला है? सर उस रूम में भी कुछ नहीं मिला। ये फोटो किसकी है? सर ये फोटो अशोक और उसके पिताजी की है। और ये कैबिन कहाँ है? अशोक ने मुझे इस जगह के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। बड़ी ये देखो, खिड़की के कांच में इलेक्ट्रिक पोल का रिफ्लेक्शन आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अशोक यहीं पे चिपके बैठा हो सकता है। जी सर, आप चाहें तो कमरा आके देख सकते हैं। वेलकम सर, क्या मदद कर सकते हैं मैं आपकी? सीआईडी, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। सीआईडी और हमारे होटल में? सर मैं यहाँ का मैनेजर, दरअसल बात यह है कि मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए अभी जाना है। आप चाहें तो सारे सवाल शीला से पूछ सकते हैं सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। ये देखिए, ये है शेखर, विनोद और आराप। ये कुछ दिन पहले आपके होटल में ठहरे थे, जरा प्लीज चेक कीजिए। एक मिनट में चेक करते हूँ। यस सर, एक्चुअली ये लोग कुछ हफ्ते तक रुके थे पिछले महीने, रूम नंबर 402, 403 और 404 में। सारे कमरे पास पास। अच्छा इनके बारे में कोई खास चीज याद है आपको? कोई अजीब बात? एक अजीब सी बात थी, वो सारा दिन अपने कमरे में ही पड़े रहते थे, होटल से रूम सर्विस भी नहीं बुलाते थे। होटल के सारे स्टाफ को अपने कमरे में आने से मना कर रखा था, किसी को भी इजाजत नहीं थी उनके कमरे में जाने की। और कुछ? और रात होते ही वो बाहर निकल जाते थे। होटल से बाहर? ये बाहर कहाँ जाते थे? वो तो पता नहीं सर। अरे किसी ने तो देखा होगा उन्हें बाहर जाते हुए, आपके स्टाफ में से किसी ने? शायद हमारा बेलबॉय रमेश, क्योंकि हमेशा रिक्शा वही बुलाता था उनके लिए। ठीक है, बुलाइए जरा उसे। एक सेकेंड सर। हेलो रमेश, सीआईडी से कुछ लोग आए हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज जरा जल्दी आना। बस जल्दी आओ। आखिरी बार कब देखा था इन तीनों को आपने? सर एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते पहले? हाँ एक हफ्ते पहले हमारे होटल में इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। क्या इनकम टैक्स की रेड? हाँ, और बाद में पता चला कि वो इनकम टैक्स वाले लोग सारे नकली थे, और बस उस दिन से ये तीनों लोग गायब हैं। कमाल है, नकली इनकम टैक्स की रेड और उसके बाद से तीनों गायब। जी सर। इन तीनों के लिए रिक्शा तुम ही लेके आते थे? जी सर। कहाँ जाते थे ये तीनों, मतलब रिक्शा वाले को क्या बोल के लाते थे तुम? रिक्शा स्टैंड जाते थे सर, जो कि यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर। मैं वहां जाकर यही बोलता। रिक्शा स्टैंड। फॉर मोर अपडेट्स subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.